दोस्तों हम इंडियंस की आदत होती है, हम कार खरीदते हैं और उसको रैप करा लेते हैं। खास तौर पे लोग व्हाइट कलर की कार खरीदते हैं और उसको रैप कराते हैं अपने हिसाब से, अपने मुताबिक, ठीक है। लेकिन इंडियन लॉ में रैपिंग इलीगल है, लेकिन इलीगल होने के बावजूद भी आप कुछ परसेंटेज डिसाइड किया हुआ है, उससे ज्यादा रैपिंग आप नहीं करा सकते। मतलब अगर आपको अपनी कार रैप करानी है तो आप 30% ऑफ द टोटल कार एरिया आप उसको रैप करा सकते हैं, उसके लिए आपका कोई भी चालान नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पूरी गाड़ी रैप करा लूं, तो फिर आपको हो सकता है कि RTO में जाके कलर चेंज का रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कराना पड़े। तो इसीलिए ध्यान रखिए, 30% से ज़्यादा कार को रैप ना कराइए। वैसे भी पुलिस वाले इतना ज़्यादा डीपली नहीं देखते, लेकिन हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा इरेगुलरिटीज हुई तो चालान जरूर कट जाएगा। तो इसीलिए 30% से ज़्यादा गाड़ी को रैप ना कराएं दोस्तों।